आज का टॉपिक है टेम्परेरी फास्टनिंग। इससे रिलेटेड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं टेम्परेरी फास्टनिंग। आफ्टर द जर्नी टू पार्ट इफ इट कैन बी इजली सेपरेट विदाउट ब्रेक और कट मीन्स टेम्परेरी फास्टिंग दो पार्ट को जोड़ने के लिए यूज होता है। इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इसमें इसे काट कर या तोड़ कर अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। टाइप्स ऑफ टेम्परेरी फास्टनिंग, ये 6 टाइप्स के होते हैं। नट एंड बोल्ट्स, स्टड्स, स्क्रूज, स्प्लिट पिन, केस, कॉटर्स एंड कपलिंग, दीज आर द टेम्परेरी फास्टनिंग। अब हम इस आगे दीज टेम्परेरी फास्टनिंग के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो वेलकम टू ट्रैक व्यू चैनल। आई एम रेनल श्रीवास्तव। आप ट्रैक वे चैनल को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नट एंड बोल्ट। अगर टॉपिक के बारे में कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले टेम्परेरी फास्टनिंग में नट और बोल्ट के बारे में देखते हैं। नट्स इज अ डिवाइस यूज्ड ऑन ए बोल्ट और स्टड फॉर कनेक्ट टू और मोर मशीन्स। इट कैन नॉट कनेक्ट टू पार्ट्स अलोन विदाउट ए बोल्ट। इट अक्यूर्स इन वेरियस शेप्स ऑफ द शेप ऑफ अ प्रिज्म। देर इज अ थ्रेडेड होल इन द मिडिल ऑफ इट इन विच द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट रन्स। मीन्स द नट एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि बोल्ट या स्टड के साथ तो मशीनिंग पार्ट को जोड़ता है। ये नट जो है अकेला कभी यूज नहीं होता है, ये विथ बोल्ट के साथ ही यूज होता है। ये विभिन्न प्रकार के शेप्स में आते हैं। नट्स में थ्रेडेड होते हैं। ये बोल्ट जो दिया है, बोल्ट और स्टड, यानी बोल्ट और स्टड में भी थ्रेड होते हैं। आपने पढ़ा होगा मेल और फीमेल, तो यहाँ पे ये थ्योरी जरूर ये थ्योरी अप्लाई होती है। एक अप्लाई होती है नट। तो आगे हम पढ़ते हैं किस तरह से नट और बोल्ट का की असेंबली होती है। टाइप्स ऑफ नट्स, हेक्सागोनल नट आप देख सकते हैं। हेक्सागोनल में हेक्स शेप में बना हुआ हमारा नट है। इसकी डायमेंशंस दी हुई है। इसकी डायमेंशंस निम्न प्रकार से है, देख सकते हैं। इसका जो हेक्सागोनल का जो डायमेंशन है, a/f, ये जो डायमेंशन आपकी आती है 1.50+3 mm। और अगर इसका एलिवेशन देखते हैं तो ये जो डायमेंशन है d/2, d यानी कि डाया। डाया क्या चीज है? इसका जो होल है उसका डायमेंशन है विथ थ्रेड के साथ में ये जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो डबल लाइन दी है ये थ्रेडेड है, थ्रेड दिया हुआ है। इस तरह से थ्रेड को शो करते हैं ड्राइंग में। बाकी की डायमेंशन दी है, ये एच है। एच कितना डायमेंशन देते हैं? डी के इक्वल होता है। जितना एच डी के डी होता है, डी इज डायमीटर ऑफ नट। इसका डायमेंशन d/2। आप को अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में नट का ड्राइंग बनाने को आता है तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप एज पर मेजरमेंट डी इज 30, आर इज इक्वल टू 1.5 डी, और इस तरह से साइड भी दिया हुआ है। जो डेप्थ ऑफ द थ्रेड मेन आपका जो डायमेंशन है, डेप्थ ऑफ द थ्रेड, ये आपको हमेशा याद रखना है अबाउट 1.5 mm। यानी कि ये जो थ्रेड है बेसिक, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये सॉरी ये
डायमेंशन है ये अबव 1.5 mm होता है। आपको जब आगे इंडस्ट्री में आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको नट भी डिजाइन करने को मिलता है, तो नट का डिजाइन इस तरह से आप करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर की सहायता से। नेक्स्ट आता है स्क्वायर नट। स्क्वायर नट में आप देख सकते हैं इसका से स्क्वायर शेप में है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ये थर्ड एंगल में बनाया गया है। थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका उस लिंक से आप फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में किस तरह से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं उसका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे डायमेंशन दिए थर्ड एंगल, ये थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन में दिया है, ये जो डायमेंशन है आपके अंडर रूट। अंडर रूट 2 W ये 30 डिग्री पे होता है, ये इस तरह से इसका W ये R, और यहाँ पे इसका डिटेल डायमेंशन दिया है। TT = 0.8 T, T2 2D, W = 1.5 D, T+3 R = 1.7 D, T2 2D आइसोमेट्रिक व्यू। नेक्स्ट आते हैं फ्लेंज नट किस तरह से रहता है, इसका डायमेंशन दिया है 2.2D और ये इसका D 0.25D। कैप नट का डायमेंशन इस तरह से दिया होता है, इसका तरह से शेप होता है D 0.5D, 1.9D + 3D 0.25D। नेक्स्ट 5 डोम नट। डोम नट में आप देख सकते हैं डोम नट किस तरह से एज पर नेम से इंडिकेट होता है, इसका जो शेप होता है डोम स्टाइल में होता है, ये डोम दिया है, ये डोम है, ये डायमेंशन दी है डोम की 0.5D, ये डी है, ये डाया डी जैसे कि प्रीवियस नट में हम देख चुके हैं। विंग्स नट देख सकते हैं आप किस तरह से है, विंग कैसा है, विंग मतलब मीन्स इसमें विंग्स दी हुई है, ये विंग्स है इसलिए इसका नाम विंग्स पड़ा, विंग्स दिया हुआ है। इसका डायमेंशन है 1.2D, 1.5D, D 0.4D, दिस रेडियस इज 0.6D। नेक्स्ट इसमें एक हल्का सा ग्रुप कटा रहता है, अगर ऊपर से देखते हैं टॉप ये देखते हैं 0.2D। नेक्स्ट आते हैं 7 कैपस्टन नट का डायमेंशन इस तरह से रहता है, इसमें जो ग्रुप कटा है 0.2D, ये डी 1.8D डी। आप नेक्स्ट आते हैं रिंग नट है 0.2D, डायमेंशन इस तरह से दिया हुआ है 0.5D, 1.5D, 1.8D, 0.1D। नेक्स्ट बोल्ट नट बोल्ट के बगैर कभी भी दो पार्ट को नहीं जोड़ सकता है, इसलिए बोल्ट की आवश्यकता होती है। तो देखिए बोल्ट किस तरह का होता है, अ स्मॉल पीस ऑफ बार मेटल दैट इज यूज्ड विथ अनदर पीस ऑफ मेटल फॉर फास्टनिंग थिंग्स टुगेदर। द बोल्ट हैज ए शेप सिमिलर टू दैट ऑफ इट्स टॉप मोस्ट हेक्सागोनल बोल्ट्स एंड स्क्वायर बोल्ट्स आर मोर कॉमनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग बिल। अ कॉमन एक ये एक छोटा सा स्मॉल बार होता है जिसमें थ्रेड कटी हुई होता है, ये नट के साथ भी यूज होता है, नट जो होता है इस बोल्ट के ऊपर फिट होता है। ये कई शेप में आते हैं एज पर नट, हेक्सागोनल बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट एंड मोर। नेक्स्ट असेंबली आप देख सकते हैं नट और बोल्ट की असेंबली किस तरह से रहती है, असेंबली ऑफ हेक्स हेडेड बोल्ट विद हेक्स डबल चैम्फर्ड नट लॉक नट एंड वॉशर मीन्स। इसमें देख सकते हैं ये हमारा प्लान दिया है, ये एलिवेशन दिया है, इस
इसमें ये जो है हमारा लॉक नट है, ये हमारा मेन, ये मेन है, मेन नट है, जैसे कि ये दिखाया गया है। ये मेन नट है आपका, ये है लॉक नट, ये वॉशर, ये जो जहां से ये, जैसे कि आपने देखा था डेस्कटॉप थ्रेड, ये बाहर से इसका 0.3 है, ये डाया है थ्रेड M25x3 का थ्रेड है। ये थ्रेड लेंथ दी हुई है, ये 2D साइज, ये डायमेंशन 2D, हेक्स हेडेड बोल्ट है, हेक्स हेडेड बोल्ट, होल फॉर स्प्लिट पिन मेन, इस तरह से आपको ये असेंबली दी है। अब आगे हम लॉकिंग नट और वॉशर के बारे में भी रीड करेंगे, पर समझेंगे कैसे यहाँ पे लॉकिंग नट का यूज किया है। यहाँ पे एक छोटा सा पिन दिया हुआ है, जैसे कि जब हम नट और लॉक नट को आपस में थ्रेड के साथ में ट्विस्ट करते हैं या इसमें असेंबल करते हैं, तो ये बाहर जब मशीन वर्किंग कंडीशन होती है तो ये में भी लूज हो सकती है, तो इसके लिए एक पिन दिया हुआ है, ये होल पिन दिया है। ये हमारा बोल्ट में लास्ट में एक होल होता है, उसमें हम ये पिन लगाते हैं, जिससे कि हमारी ये असेंबली टिकाऊ मजबूत रहे और जब जरूरत हो इसको हम अलग कर सके। इसका डायमेंशन वॉशर 2D+3। नेक्स्ट आते हैं असेंबली ऑफ स्क्वायर हेडेड बोल्ट एंड स्क्वायर नट। आप एज पर हेडलाइट से देख सकते हैं कि इसका दिया है स्क्वायर हेडेड, यानी कि स्क्वायर हेड जो है स्क्वायर शेप में है। बोल्ट एंड स्क्वायर नट, इसमें जो नट भी है स्क्वायर शेप में है, और एज पर पिक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका इसमें पिक्चर में दिया हुआ है कि ड्राइंग में दिया है किस तरह से डायमेंशन देते हैं। ये डी हो गया, ये 0.7D, ये स्क्वायर हेड, SQ हेड मीन्स स्क्वायर हेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड, स्क्वायर नट, कोर्ड आया 30 डिग्री, फिर हम चैम्फर लगाते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये डेप्थ। नेक्स्ट आते हैं असेंबली ऑफ स्क्वायर हेडेड बोल्ट ऑफ स्क्वायर नेक विथ वॉशर एंड हेक्सागोनल नट। आप देख सकते हैं इसमें स्क्वायर हेडेड बोल्ट, इसमें स्क्वायर हेडेड बोल्ट है, स्क्वायर नेक है, इसमें स्क्वायर मेन नोट करने वाली बात है कि इसका जो स्क्वायर नेक भी है स्क्वायर है, बाकी एज पर प्रीवियस है। इसमें ये डायमेंशन आप देख सकते हैं पूरा। स्क्वायर हेडेड बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट, स्क्वायर नेक, डी है 25 हेयर, 1.75D, 0.75D, 2D, 0.75D, 42, 8D, 100 हेयर, 1.6D, 6 और 2D, 2, 3D, D इक्वल टू 3 mm, M इक्वल टू 25x3, 2D+3, वॉशर, हेक्स नट और 0.90, और दिस D इक्वल टू 3 mm। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट जरूर से जरूर कीजिए, ताकि हम उस पे इम्प्लीमेंट कर सके। और किसी भी टॉपिक पे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं या कुछ आपको कुछ क्लियर करना है तो कमेंट कीजिए, उस पे भी वीडियो मैं कोशिश करूंगी उस पे भी वीडियो बना सकूं।
नेक्स्ट आते हैं स्टड। स्टड के बारे में डिटेल से रीड करते हैं। स्टड क्या होते हैं? दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बोल्ट। इट हैज इक्वल थ्रेडेड ऑन बोथ साइड, द मिडिल पार्ट विदाउट थ्रेडेड थ्रेड अलाउड टू रिमेन प्लेन। इट डज नॉट हैव ए हेड एट इधर एंड, ऑन बोथ एंड कैन बी यूज, दे आर यूज वेन कनेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट एट द सर्टेन डिस्टेंस। मीन्स ये एक बार होता है जिसके दोनों साइड पे थ्रेड बनी होती है, बट बीच में या थोड़ा सा ए वन साइड पे थोड़ा सा थ्रेड होने के बाद में एक प्लेन एरिया छोड़ते हैं, तो उसको हम स्टड कहते हैं। आगे पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ स्टड इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड देयर वी कैन यूज दिस स्टड। टाइप्स ऑफ स्टड देखिए, नंबर वन प्लेन, नंबर टू कॉलर्ड स्टड, नंबर थ्री स्टड विद स्क्वायर नेक। तो सबसे पहले हम प्लेन देखते हैं। प्लेन मतलब, प्लेन से मतलब है कि बीच में जो प्लेन एरिया छोड़ते हैं वो प्लेन ही रहता है, उसमें कुछ भी उभार वगैरह नहीं रहता है। इसका डायमेंशन एज पर देख सकते हैं, ये डी ये डी ये डी। ये सॉरी, यहाँ पे ये पी दिया हुआ है, पिच जैसे कहते हैं। नंबर टू कॉलर्ड स्टड। कॉलर्ड मींस क्या होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं एक हल्का सा उभार टाइप में दिया हुआ है, कॉलर्ड हो गया। दोनों साइड में ये थ्रेड है, ये थ्रेड, ये थ्रेड, बोथ बोथ साइड है वे थ्रेड। नंबर थ्री स्टड विद स्क्यू नेक। स्क्यू नेक में आप देख सकते हैं, एस्क्यू मीन्स स्क्वायर नेक। यहाँ पे हमारा स्क्वायर नेक होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर फ्रंट व्यू देखें, ये स्क्वायर नेक, ये थर्ड, ये हमारा बार और इसके पीछे भी बार रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं लॉकिंग डिवाइसेस इन द नट। जो जब हम असेंबली करते हैं इसमें हमारा नट भी यूज होता है, बोल्ट भी यूज होता है, लॉकिंग लॉकिंग डिवाइस भी यूज होता है। जैसे कि हमारा जी जो असेंबली है नट और बोल्ट की अलग ना हो, उसको लॉक करता है। आगे देखते हैं लॉकिंग डिवाइस इन नट क्या है। लॉकिंग डिवाइस इन नट, व्हेन द मशीन रन देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ ओपनिंग द नट्स ड्यू टू द शॉक एंड वाइब्रेशन इन इट एंड एक्सीडेंट विद द मशीन and its worker can be happen due to loosening or opening of the nuts. Therefore, locking devices are used in the wall so to avoid accident. They by their use nut are neither self carry nor open. Means जब आप देख सकते हैं जैसे कि जब मशीन रन करती है, रनिंग कंडीशन पे होती है, तो नट और बोल्ट की खुलने की पॉसिबिलिटीज होती है ड्यू टू द शॉक और वाइब्रेशन के कारण। जिससे कि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है उसको उसको एक्सीडेंट भी हो सकता है या इंजरी भी हो सकती है, तो इसके लिए हम लॉकिंग डिवाइस का यूज करते हैं, मीन्स सेफ्टी पर्पज से। ओके, जैसे कि कोई भी हार्मनेस ना हो। देखिए लॉकिंग डिवाइस किस तरह से होते हैं, किस तरह से दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं तो पिक्चर, ये हमारा मेन नट है और ये हमारा लॉकिंग डिवाइस है। लॉकिंग डिवाइस की डायमेंशन किस तरह से होती है, जो हमारा ये डी होता है, आपको ने पहले भी देखा होगा, डी जो होता है, डी इज डाया, और डाया का जो 0.60 रहता है और ये हमारा डी रहता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉकिंग डिवाइस ऊपर दी हुई है, यहाँ पे मेन नट नीचे दिया है, यहाँ पे लॉकिंग डिवाइस और मेन नट की डायमेंशन सेम है। इस तरह से तीन तरह से असेंबली हम तैयार करते हैं, जहाँ पे हम लॉकिंग नट और नट का यूज किस तरह से करते हैं, कभी नट नीचे कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर टू लॉकिंग बाय थ्रेडेड पिन। लॉकिंग बाय थ्रेडेड पिन, लॉकिंग बाय थ्रेडेड पिन देख सकते हैं, ये लास्ट में आपका थ्रेडेड पिन दिया हुआ है। ये इसमें से थ्रेडेड क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे थ्रेड दिया हुआ है और ये हमारा डिवाइस इस पे असेंबल होता है। ये हमारा देखिए, ये हमारा मेन लॉकिंग डिवाइस हो गया जो कि इस मेन नट को लॉक करता है। नेक्स्ट आते हैं लॉकिंग वाइल स्प्लिट पिन।
स्प्लिट पिन मीन्स ये आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बार के साथ में एक होल हुआ है, होल को के साथ में स्प्लिट पिन देता है। स्प्लिट पिन का शेप इस तरह से रहता है और इस तरह से असेंबली होती है। डायमेंशन देख सकते हैं, स्प्लिट पिन का होल का डायमेंशन होता है 0.2D, और यहाँ पे D और 0.4 4D सेम थिंग। एंड नंबर 4 कास्टल नट विद स्प्लिट पिन। कास्टल नट विद स्प्लिट पिन क्या आता है, 0.3D, W 0.2D, 0.4D एंड 1.2D एंड सेम देख सकते हैं कास्टल नट विद स्प्लिट पिन। यहाँ पे जो नट है कास्टल नट टाइप का है। नेक्स्ट आते हैं कीज। कीज के बारे में जानते हैं, कीज किस तरह से होती हैं, किसका यूज कहाँ होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ यूज होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कीज। इन एक्सियल डायरेक्शन बिटवीन शाफ्ट एंड व्हील हब इन मशीन टू प्रिवेंट रिलेटिव मूवमेंट द मेटल पीस टू बी अटैच इज कॉल्ड अ की। यानी एक्सियल डायरेक्शन में शाफ्ट और व्हील हब के बीच में जो रिलेटिव मूवमेंट होता है उसके बीच में हम इस कीज को यूज करते हैं। यानी हाफ हमारा शाफ्ट में रहता है, हाफ हमारा व्हील हब में रहता है, ये कीज का यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं अ की इज यूज टू कनेक्ट अ शाफ्ट टू द हब ऑफ द व्हील की। शाफ्ट स्टील इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सिस बिटवीन द शाफ्ट एंड द हब। हाफ ऑफ इट रिमेन्स इन द हब एंड द रिमेनिंग हाफ इन द शाफ्ट। व्हेन द शाफ्ट रोटेट द हब करस्पॉन्डिंग टू द की इज ऑल्सो स्लिपरी और द रिलेटिव रोटेशनल मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड द हब ऑफ द पुली इज स्टॉप्ड बाई द की इट सेल्फ। पुली बाई की फ्लाई व्हील्स क्रैंक गियर इटीसी आर स्ट्रॉन्गली ऑब्स्ट्रक्टेड। When the shaft rotates, the hub corresponding to the key is also slippery or the relative rotational motion between the shaft and the hub of the pulley is stopped by the key itself. Pulley by key, flywheels, crank, gears, etc. are strongly obstructed on the shaft. This joint is a temporary fastening. जैसा कि आपने देखा कि ये कीज होती है सॉफ्ट स्टील माइल्ड स्टील की बनी होती है। ये एक्सेल के इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सेल बिटवीन द शाफ्ट एंड द हब। ये शाफ्ट और हब के बीच में एक्सेल के पैरेलल प्रेस्ड होती है। हाफ ऑफ इसकी हाफ हब में रहती है, रिमेनिंग पार्ट शाफ्ट में रहता है। देन शाफ्ट रोटेट जब शाफ्ट रोटेट होता है द हब करस्पॉन्डिंग टू द की इज ऑल्सो स्लिपरी। तो जो हब होता है ये करस्पॉन्डिंग स्लिपरी होता है या रिलेटिव मोशन होता है, तो रिलेटिव मोशन के कारण ये टिक नहीं पाता है। तो यहाँ पे शाफ्ट और हब के बीच में जो की होते हैं इसके मूवमेंट को स्लिप होने से रोकता है और ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है जब ज्यादा डेंजर होता है। तब तो ये पुली बाई की फ्लाईव्हील क्रैंक ईटीसी में यूज होता है आर स्ट्रॉन्गली ऑब्स्ट्रक्टेड ऑन द शाफ्ट। दिस जॉइंट इज अ टेम्परेरी शाफ्ट। नेक्स्ट आते हैं कीज ऑफ द टाइप्स ऑफ द कीज। देख सकते हैं कि आप नंबर 1 होता है रेक्टेंगुलर पैरलर, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कीज में नंबर वन होता है रेक्टेंगुलर पैरेलल सम कीज, इसका डायमेंशन एज पर दिस तो देख सकते हैं। इसका डी इज द डाया ऑफ शाफ्ट, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.4, टी इज इक्वल टू 0.17 डी, जी टी इज इक्वल टू डी बाई टी 6। आज ये पैरेलल रेक्टेंगुलर पैरेलल सम की है। नंबर टू रेक्टेंगुलर टेपर सम की, इसका डायमेंशन एज पर ड्राइंग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह से देना होता है। नंबर थ्री गिव हेड की में आप देख सकते हैं कि गिव हेड की में दिया है ये इस तरह से। नेक्स्ट है आपका नंबर फोर्थ राउंड की और पिन की, ये देखिए पिन के शेप का है इसलिए इसको पिन की किया है। ये राउंड भी होता है, इसका पैरलर पिन या टेपर पिन भी रहता है। नंबर चार नंबर पांच है वुड रफ की का डायमेंशन इस तरह से रहता है, आप देख सकते हैं डिटेल में। नंबर सिक्स है सेट स्क्रू टाइप एंड डबल गिब हेड की, इसमें देख सकते हैं ये दो तरह के दिया है, पैक टाइप की और सिंगल हेड टाइप की, इस तरह से ये दो तरह के दिए हुए हैं। हॉलो सैडल की दिया हुआ है डायमेंशन एज पर ड्राइंग। स्प्लाइन शाफ्ट देख सकते हैं किस तरह का स्प्लाइन शाफ्ट है। अगर आपको इस टॉपिक से कुछ भी रिलेटेड डाउट होते हैं तो आप उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, उसका डिटेल के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वार्टर एंड गिव की, क्वार्टर एंड गिफ्ट की किस तरह से होते हैं, इसका पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका दिया है, ये पहला है क्वार्टर्स का शेप, आप देख सकते हैं एक टेपर तरह की एक बार होती है। नंबर टू एक जीप है, ये टेपर टू क्वार्टर क्वार्टर क्या होते हैं, क्वार्टर देख सकते हैं। क्वार्टर एक चपटा वेज की आकृति का एक आयताकार काट वाला टुकड़ा होता है, इसकी मोटाई पूरी लंबाई में एक समान होती है परंतु चौड़ाई में एक किनारे सीधा तथा दूसरा टेपरित होता है। टेपर का मान 1:248 1:248 से 1:24 तक हो सकता है यदि काटर को एक तालाबंदी प्रबंध मीन्स लॉकिंग अरेंजमेंट में प्रयोग करना हो तो इसके सिरे के टेपर का मान 1:8 तक भी रखा जा सकता है। इसका एक किनारा टेपर होने के कारण इसको आसानी से छिद्र में प्रवेश करा कर कर समायोजित किया जा सकता है। यह साधारणतः मृदु इस्पात या पिटवा लोहे का बना होता है। इसे शाफ्ट की अक्ष के लंब रूप प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बने क्वार्टर जोड़ को की सहायता से दो छड़े एक ही अक्ष पर दृढ़ता पूर्वक जोड़ी जा सकती है और यह जोड़ संपीड़न तथा तनाव दोनों प्रकार के भारों अथवा बलों को सहन कर सकता है। क्वार्टर द्वारा बने जोड़ों का डिजाइन सरल होता है तथा जोड़े जाने वाले अंग भी शीघ्रता से जोड़े व अलग किए जाते हैं। अब आते हैं गिफ्ट क्या होते हैं। गिफ्ट दो छड़ों को क्वार्टर द्वारा जोड़ा जाता है, दो छड़ों को क्वार्टर द्वारा जोड़ा जाता है तब क्वार्टर तथा रॉड के बीच घर्षण को कम करने व क्वार्टर को जोड़ में से निकलने से रोकने के लिए एक जिप नाम का एक अन्य टुकड़ा प्रयोग किया जाता है। जिप का कार्य क्वार्टर को अधिक संपर्क सतह यानी कॉन्टेक्ट सरफेस अथवा सहन सतह प्रदान करना होता है।
इस टॉपिक में आपका थ्रेड रह गया है जो कि नट और बोल्ट में यूज होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्रेड, और इसका आपका एग्जाम में भी बहुत ही इसके बारे में पूछा जाता है, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप बीटेक कर रहे हो, तो थ्रेड के बारे में जरूर पूछा जाता है। कितने प्रकार की होती है, कैसी, किस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर में भी अगर थ्रेड जोड़ना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है थ्रेड का, तो आगे की वीडियो में इसका बारे में हम कवर करेंगे। अगर इस टॉपिक टेम्परेरी फास्टनिंग के बारे में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिए। और ये अगर और हमारा चैनल आपको पसंद आता है या कोई भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, और हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना जरूर जरूर कीजिए, जिससे कि जब न्यू वीडियो अपलोड होती है तो बेल आइकन से आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस का बटन लगाइए, प्रेस बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप और इंजीनियर ड्राइंग के किसी भी टॉपिक पे आप और वीडियोस चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिए, या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स है वो क्लियर वो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू। आई एम रेनू श्रीवास्तव फ्रॉम टैग चैनल। थैंक यू सो मच।